हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मेल्स किए कि एक वीडियो बनाया जाए जिस पे कि फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो क्या स्टेजेस रहेंगी, कैसे कोई इनिशिएट कर सकता है, इफ दे वांट्स टू नो मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट एटसेट्रा। सो देयर आर सेवरल courses which are available. Some of them are certification courses, some of them it's अलग other type of courses. आज के इस वीडियो में हम basically वही discuss करने वाले हैं कि कौन कौन से stages पे क्या क्या courses आपको मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं और mutual funds में या stock market में आप excel कर सकते हैं. So this video is all about educational purpose, right? और किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी इस कोर्स स्पेसिफिक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं सारी ही डिटेल आपको देने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कोर्सेज की, राइट? तो सबसे पहले, सबसे बेसिक जो बात आती है वो आती है एक बहुत बेसिक सा सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि NISM आपको प्रोवाइड करती है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट, राइट? ये आपको कुछ इनके मॉड्यूल्स हैं, देर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप MFD बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको NISM 5A क्वालिफाई करना ज़रूरी है, 5A एंड 5B ऑल्सो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सो वो कैसे क्वालिफाई होगा, बेसिकली उसके लिए कैसे एनरोलमेंट होगा, एनरोलमेंट के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो पूरा डिटेल में बना रखा है कि कैसे एनरोलमेंट किया जाएगा, मैं उसको यहाँ आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। कोर्स की जो फीस है वो कोर्स की फीस लगभग 1500 प्लस GST के आसपास होनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 या 1700 के आसपास। 3 साल का आपको इसमें पीरियड मिलता है, मतलब एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो 3 साल तक वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है, 3 साल के बाद फिर से आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे एक NISM मॉड्यूल 12 है, मॉड्यूल 12 में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट या फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं, कुछ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से आ जाएगी। सेल्फ पेस्ड स्टडी है, जैसे आप चाहें वैसे उसको पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको मॉड्यूल मिल जाता है, यानी कि जो बुक है वो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाती है, PDF फॉर्मेट में। सो फीस एज सच अगेन वही 1500 से 1800 प्लस GST के आसपास ये होती है। आप आज एनरोल कीजिए, कोई भी डेट आप उसमें स्लॉट बुक कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए, यू कैन क्वालिफाई इट एंड देन वर्क डूइंग। अगला जो पार्ट है इसमें इवन और भी आपको मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा NISM की वेबसाइट को। अगला जो टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसमें बेसिकली ये ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन होता है प्रोफेशनल्स के लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स कर नहीं सकते, फिर 12th पास्ड, आप 12th पास होने के बाद इसको कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें लेवल ऑफ एग्जाम्स हैं, राइट? वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12th एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको 3 लेवल्स मिलते हैं एग्जामिनेशन के, 3 या 4 लेवल्स, इवन एक 3 लेवल्स हैं, 4th कैपस्टन होता है, सो वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। बेनिफिट क्या है या आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखिए CFP में ना एज द नेम मैंशन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सो आपके पास एक अथॉरिटी आ जाएगी, नाउ यू आर सर्टिफाइड, अब आप किसी को कंसल्टेशन दे सकते हैं, राइट? आप कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल प्लानर यू कैन वर्क। और सीखने को आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, बजटिंग एटसेट्रा, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होगी, गोल प्लानिंग कैसे होगी, टैक्स प्लानिंग कैसे होगी, ये सारी ही चीज़ें, इवन एस्टेट प्लानिंग, लास्ट में विल कैसे लिखी जाएगी, वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, राइट? सो मेजर सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख लेंगे। इसको बेसिकली कोर्स की जो टाइमिंग है वो लगभग 8 से 10 महीने में कोर्स हो जाता है, सारे ही लेवल्स उसके हार्डली आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं सो इसमें अमूमन यानी आम तौर पे लगभग आप मान के चलें लगभग 60,000 to 70,000 रुपीज़ का टोटल खर्चा आता है सारे सर्टिफिकेशन और जो लास्ट में कैपस्टोन सर्टिफिकेट आपको होल्ड करना होता है वो मिला करके, लगभग इतना खर्चा इसमें आ जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इंडिया में इसको FPSB प्रोवाइड करती है, अथॉरिटी है जो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है इस केस में, जो CFP के कोर्स को आपको देगी।
राइट। सो आई होप ये बात जो मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली आपको समझ में आ रही है। इसके बाद अगला एक कोर्स होता है विच इज ऑलमोस्ट एवरी फन फॉर एवरी वन। आप ट्वेल्थ पास हैं तो भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेबली इसको वो लोग परस्यू करते हैं हु आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स, जो वर्क ही कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, दैट इज CWM, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर्स। अगर आप बेसिकली इस कोर्स को परस्यू करना चाहें ट्वेल्थ के बाद, आप इसको कर सकते हैं। क्या मिलेगा इसमें सीखने को या किस टाइप के ऑप्शंस होंगे इसमें, बेसिकली टू लेवल्स होते हैं, दो पाथवेज होते हैं। पहला होता है रेगुलर पाथवे, यानी कि आप ट्वेल्थ के बाद जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप जा रहे हैं, तो आप सिंपली उसको दोनों लेवल्स के एग्जाम आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल हैं, 3 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है फाइनेंस मार्केट का, सो आपके लिए लेवल 1 एग्जाम्ड हो जाता है, आपको सिर्फ लेवल 2 के एग्जाम्स देने होते हैं, दैट्स इट। अब अगर मैं बात करूं कि आपको लगभग क्या सीखने को मिलता है, सो अल्टीमेटली आप मान के चलो जो भी एक्सटेंडेड वर्जन है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होगी, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होगी, इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस कैसे होगा, ये सारी ब्रॉड चीजें, और क्लाइंट का पोर्टफोलियो हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, वो ब्रॉड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल कोर्स। अगर आप इस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा जाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ और टाइम पीरियड की बात करूँ, सो टाइम पीरियड हार्डली इसमें 5 से 6 महीने में इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, सो इजीली वो हो जाता है। देन अगर मैं बात करूँ एवरेज फीस की, सो एवरेज फीस अगर कोर्स की जो बाकी का जो स्टडी मटेरियल है एंड जो एग्ज़ाम फीस है, दे ऑल आर डिफरेंट। चार्टर की फीस अलग है, मतलब जो आप चार्टर सर्टिफिकेट लेंगे तो उसकी फीस अलग है। सो टोटल ओवरऑल मिला करके लगभग 45 से 55 हज़ार रुपये के बीच में इसकी जो टोटल फीस है वो लगभग आती है। देखिए फीस वेरी कर सकती है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, मैं बस आपको एक रेंज दे रहा हूँ कि इनके बीच में वो फीस आ सकती है। इसके बाद एक बहुत ही वाइड कोर्स है, दैट इज कॉल्ड CFA। ये बहुत वाइड कोर्स है और हम सभी लोग इसके बारे में लगभग जानते हैं CFA के बारे में। CFA इज अगेन अ चार्टर कोर्स, राइट। इसमें आम तौर पे जो टाइम है वो 2 से 4 साल के आसपास लग सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर दैट पर्पस। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस फाइनेंस इंडस्ट्री का होना चाहिए, 6 महीने 8 महीने साल भर का एटलीस्ट, वो उसमें लगता है। 2 से 3 साल के बीच में आमतौर पर ये कोर्स फिनिश हो जाता है। इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं, Level 1, Level 2, Level 3। जब आप Level 3 तक क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको चार्टर मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज अमंग द फाइनेंस इंडस्ट्री कोर्सेज। फाइनेंस में जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा टाइमिंग वाला हम कह सकते हैं, एंड सबसे ज्यादा टफ एग्जाम भी है फाइनेंस इंडस्ट्री में, ये आपको देखने को इस केस में मिलता है। तो क्योंकि हमें बहुत टेक्निकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मेजर चीजें आपको, मतलब यू लर्न एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस CFA चार्टर, राइट। इसके बाद एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, हम सभी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिग्री, दैट इज कॉल्ड MBA। आप MBA कर सकते हैं फाइनेंस में, राइट। और MBA फाइनेंस में आप जा सकते हैं, वहां पे भी आपको मेजर सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिल जाएंगे, राइट। बट अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाऊं या मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाऊं कि नहीं सर म्यूचुअल फंड में ही एक्सेल करना है या सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पूरी हमें नॉलेज चाहिए, सो म्यूचुअल फंड के केस में मैंने आपको बताया कि आप NISN पे कोर्सेज कर सकते हैं, द मॉड्यूल्स आर प्रीटी गुड। आप जब उन मॉड्यूल्स को सीरियसली गो थ्रू करते हैं, यू विल फाइंड इट आउट कि उसमें बहुत, मतलब इंडस्ट्री की बेस्ट अवेलेबल चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। पर्सनल फाइनेंस में एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें और बेहतर होना चाहते हैं, यू में परस्यू CFP एज वेल, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। देन उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा बेहतर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा बेहतर होना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर CWM एक्सेट्रा। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आई होप जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया है वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।